कितनी स्ट्रांग हुई है, इसी का टेस्ट लेने के लिए मैं दूसरी क्लास ग्रामर की लेकर के वर्ड पावर की लेकर के हाजिर हूं आपके सामने। ये रही बिस्वानी क्लासेस की वह बैच की सूचना जो चल रहा है इस समय, जिसका ये पार्ट है मॉर्निंग की क्लास वोकैबुलरी हम लोग बिल्डअप कर रहे हैं। और सीधे मैं बात करूंगा एटिमोलॉजी की। ये हो गया था मेरे ख्याल से, नहीं नहीं हुआ था, ये हो गया था। नहीं बिल्कुल नहीं हुआ था। हाँ एक एक सेशन तो हमने सोचा था करने का यहीं से। बिल्कुल चलिए एटिमोलॉजी रूट ईगो, इगोइज्म बनता है इससे, मिसीन का मतलब बताइए, मिसेंथ्रोप बनता है इससे, गैमोस का मतलब बताइए, बिगेमी और दूसरे वर्ड्स में गैम जहां होता है यूज किया जाता है, गाइन का यूज गाइनकोलॉजी में और दूसरी जगह बहुत सारे वर्ड्स में किया जाता है, ये क्या है, और डर्मा जिसका डर्मेटरी में भी यूज किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में भी यूज किया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आप हमको बताएं फटाफट। हाँ बढ़िया है बढ़िया है, सुबह की क्लास है और सुबह सुबह बढ़िया लगता है क्लास लेते हुए, है ना, पढ़ते हुए भी और पढ़ाते हुए भी। हाँ गुरुजी 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 को प्रणाम, गुरुजी को। हाँ मनोज शर्मा भैया 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 प्रणाम आपका आ गया मेरे तक, बस बढ़िया से मन लगा के बताओ फटाफट। पहले में पहला ये क्या बता रही हो, आपको वो लिखना पड़ेगा, वहां पर लिखना पड़ेगा आपको। हो गया क्या, हो गया भैया जितेंद्र, हो गया था सर जी, हो गया था, अच्छा ये हो गया था, हो गया था, अच्छा 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 सॉरी, हाँ 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 ये बताना था, हाँ यही से शुरू करना था, ये शुरू करना था, यस सेम और अपोजिट। कितना बढ़िया गेम है जो आपके साथ नॉर्मल लेविस खेल रहे हैं, करें इगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक में क्या ये दोनों सेम है या ये दोनों अपोजिट है, बस आपको इतना बताना है। आप ज्यादा जानकारी रखते होंगे तभी इतना बता पाएंगे, नहीं तो बता नहीं पाएंगे। क्योंकि इसको पूरा था विस्तार से आपने पढ़ा है, अब आएगा मजा। हाँ सेम और अपोजिट से स्टार्ट करना है मेरे बच्चे। चलो अब किताब कॉपी सब बंद, ये टेस्ट का समय है, कोई कॉपी किताब खुली नहीं होनी चाहिए, बस आपका माइंड आपके साथ होना चाहिए और हाथ और उंगलियां, कुछ भी और कोई कॉपी किताब जो आपके नोट्स हैं वो बंद रहने चाहिए, तभी इस टेस्ट का मजा है, तभी इस टेस्ट का फायदा है। चलो भाई पहला अपोजिट है इगोइस्टिक और अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक दूसरों की मदद करता है, परोपकारी होता है, और इगोइस्टिक सेल्फ के लिए बात करता है। मिसैंथ्रोप फिलैंथ्रोप सेम और अपोजिट, बिल्कुल मिसिन और फिलिन लगा है, एंथ्रोप लगा है, वो मैच कर रहा है, बाकी मिसमैच कर रहा है, तो ये अपोजिट हो गए एक दूसरे के, ये भी अपोजिट। ठीक है मैं इसको थोड़ा ऑन कर लूं, सेल्फी बोल लेता है नालायक, बहुत सेल्फी लेता है, नया नया मोबाइल खरीदा खूब सेल्फी लेता है, अब इसकी बीमारी तभी दूर होगी जब इसको मैं बदल दूंगा। ठीक है नालायकी करेगा तो बदला जाएगा, मेरा साथ देना आसान थोड़ी है। मिजोगैमस और पॉलीगैमस, ये दोनों मिजोगैमस और पॉलीगैमस, क्या ये दोनों सिनोनिम है या अपोजिट है? पॉलीगैमस है, पॉलीगैमस है, और उधर मिजोगैमस है, सेम है या अपोजिट है? थर्ड थर्ड वाला बच्चा, अच्छा दूसरा और तीसरा दोनों अपोजिट है। अब पॉलीगैमस, अच्छा एक चीज बताओ, पॉलीगैमस जो है ये तो बहुविवाह शादी के लिए होता है और ये होता है घना के लिए, तो ये अपोजिट कैसे हो गए? अपोजिट इस तरह हो गए, अगर किसी की शंका हो दिमाग में, बाकी सब बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में शंका हो तो पॉली तो वो तभी हो सकता है, पॉलीगैमस तो वो तभी हो सकता है जबकि वह खुद इस बात को मानता हो कि शादी से लव करना चाहिए, तो जब शादी से वो लव करेगा तो ही तो वो पॉली हो पाएगा, नहीं तो मिजैन होगा तो वो कैसे होगा? दैट इज, अगर ना किसी की समझ में आया हो उसके लिए मैंने समझा दिया उसको। अगला है डेक्स्टर्स और स्किलफुल, तो स्किलफुल और डेक्स्टर्स दोनों वर्ड्स के समान है,
या ये अपोजिट है? बिल्कुल, आपका उत्तर बिल्कुल सही आया है। ये समान वर्ड है। डेक्स्ट्रस और स्किलफुल दोनों का मतलब एडेप्ट होता है, एफिशिएंट होता है, बहुत ही दक्ष होता है, माहिर होता है, कुशल होता है। और अगला ये रहा आपके लिए टेस्ट पांच, ये चार है नहीं पांच है। सिनिस्टर और थ्रेटनिंग क्या सेम है या अपोजिट? ऑप्टिकल और विजुअल क्या सेम है या अपोजिट? नोटोरियस इन फेमस सेम है या अपोजिट? कंजुमेट एडजेक्टिव है जो कि, और अनस्किल्ड ये सेम है या अपोजिट? क्रॉनिक और एक्यूट ये सेम है या अपोजिट? अगर एग्जाम आपके चरण वंदन करके ना जाए तो मुझे बताना, बस एक बार इस सीरीज को देख लेना, दो बार कुछ भी नहीं कर सकता आपका कोई एग्जाम। मजा आएगा वीडियो, मजा आएगा। सिनोनिम या अपोजिट? हाँ बहुत बढ़िया उत्तर आ रहा है, फटाफट उत्तर बहुत बढ़िया आ रहे हैं उत्तर आपके, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। आप तो, और हाँ, स्कोर बोर्ड आपका, आपकी कॉपी पे आपको स्कोर करते जाना है। कल का स्कोर, आज का स्कोर और कल और आने वाले कल का स्कोर मिला करके तीन लेक्चर्स का स्कोर 18 वाले सेशन में आपका कंप्लीट होगा और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पांचवा छठा सेम है, बिल्कुल सिनिस्टर और थ्रेटनिंग बिल्कुल सेम है, ये भी अपशकुनी होता है, वो भी अपशकुनी होता है, तो ये दोनों सेम हो गए, सेम। ऑप्टिकल और विजुअल ये दोनों सेम हो गए, बहुत बढ़िया। नोटोरियस और इनफेमस ये भी सेम हो गया कि नहीं हो गया? इनफेमस है ना, वो कुख्यात है, वो अपने बुरे कर्मों के लिए, तो वही तो नोटोरियस है। ये नोटस से बना है, ये फेम से बना है। कंजुमेट एंड अनस्किल्ड, अब ये देखिए अपोजिट हो गए दोनों, हो गए कि नहीं हो गए? ये अपोजिट हो गए, क्यों? अनस्किल्ड नहीं, कंजुमेट का मतलब टॉप, शिखर पे होता है, जो चरम पे होता है अपना, बिल्कुल बेहतरीन होता है, वो बेस्ट होता है। क्रॉनिक और एक्यूट, क्रॉनिक एंड एक्यूट, डू यू थिंक दिस वन इज अ सिनोनिम और अन अपोजिट? और अन अपोजिट, सातवां सेम है, हाँ ठीक है, हो गया सातवां आठवां सब बता दिए। नवे की बारी, नाइन नंबर अपोजिट है। रुक्साना बानो मैम, सुबह सुबह परेशान करता हूं आप लोगों को रोज मैं, आधा घंटा 40 मिनट 45 मिनट है। क्रॉनिक और एक्यूट, तीखा होता है एक्यूट, नाइन भी अपोजिट है, बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर आ रहे हैं। ये रहा आगे का आपका ग्लिब या हाल्टिंग, ग्लिब और हाल्टिंग में आप क्या सोचते हैं, ये सेम है या अपोजिट? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट इज द वर्ड दे आर रिटन, ऑकुलिस्ट क्या सेम है या अपोजिट है? जेनेटिक, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, ये जेरियाट्रिक है और पेडियाट्रिक है, डू यू थिंक द वर्ड्स आर सेम और अपोजिट? एंडोडोंटिस्ट है और एक्सोडोंटिस्ट है, देखने में ही आपको महसूस हो रहा होगा वो सेम है कि अपोजिट है, मीनिंग ना जानते हो तो पूछ लेना जिसका भी। टैलीग्राफी या काकोग्राफी आर द अपोजिट वर्ड्स आर द सेम वंस, आर द सेम वंस, डू यू थिंक दैट, व्हाट डू यू थिंक? बढ़िया है, दसवें का आ गया है भैया अपोजिट। ग्यारहवें का उत्तर दे दो कुछ लोग, ग्यारहवें का आया है सेम, ये बिल्कुल अपोजिट है और ये बिल्कुल सेम है, बहुत बढ़िया। और ये जेरियाट्रिक और पेडियाट्रिक बेटा क्या अपोजिट है या सेम है? ये अपोजिट हो गए, ये बच्चा हो गया, ये बुढ़ा हो गया, बहुत बढ़िया। एंडो और एक्सोडोंटिस्ट, डोंटिस्ट इज द सेम वर्ड बट एंडो एंड एक्सो सेज समथिंग एंड यू गॉट दैट। 13 का अपोजिट है दोनों, बिल्कुल एक्स एंड एंड अपोजिट, एक्स माने आउट, बाहर, बाहर की तरफ। और ये कैली है और ये काको है और दोनों आपस में अपोजिट प्रिफिक्सेस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। बेहतरीन 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 उत्तर आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने आप से उत्तर देंगे तो मजा आएगा। मैं बाद में थोड़ा देर में बताता हूं, तब तक आपके पास समय होता है, आप देख लें कि आपने क्या सोचा है उसको वहां टिक कर लें, मेरे ख्याल से 100% रिजल्ट जाएगा। अगर नकल करोगे तब तो 100% रहेगा ही, और नकल तो थोड़ी बहुत कर ही लोगे, वहां कौन देखता है, अभी स्कोर सुधर जाए एग्जाम में देखा जाएगा अपना। है ना बाबू,
नकलिया लेना बिल्कुल, एस्ट्रोनॉट कॉस्मोनॉट, हाउ डू यू थिंक द कॉस्मोनॉट इज द वर्ड एंड बायोप्सी ऑटोप्सी एंड डिक्टोमस या कट इन टू, डिक्टोमस एंड कट इन टू द दो टू वर्ड्स आर द सेम और अपोजिट, काली ब्यूटीफुल काको अगली बिल्कुल दीक्षा पाठक। विनीत अवस्थी भैया गुड मॉर्निंग जी, सबको गुड मॉर्निंग, रत्नेश भैया, अंशु शर्मा मैम, किशन वीर, किशन वीर, और शाम को मैम का मैंने कमेंट पढ़ा है, एक मैम हमारी और वो जो है किसी पुरुष की आईडी से आती है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम, कहीं सर जी आप हमारा नाम ही नहीं लिया, छूट गया होगा बेटा, क्या करें हम ऐसे ही लापरवाह हैं, नाम छूट जाते हैं। शीतल सिंह स्वागत है मैम, दीक्षा पाठक, तारिका, मनोज शर्मा, रुखसाना बानो, मनोज शर्मा, आप फटाफट उत्तर देते रहिए। 16 का अपोजिट है, 16 अपोजिट है, ऑटोप्सी और बायोप्सी क्यों भाई अपोजिट क्यों है, अच्छा बताओ जरा 16 अपोजिट क्यों है, अपोजिट क्यों है 16 ये बताओ हमको। 17 सेम है, चलो ठीक है 17 डिक टॉमस हो गया, डिक टॉमस हो गया, टॉम माने काटना होता है, डाई डा, डा, माने दो होता है, तो ये दो भागों में काटना हो गया, ठीक है ये अपोजिट कैसे हो गया मेरी नहीं समझ में आया, तो आप समझाओगे मुझे। Is anybody there to make me understand how these words are opposites? क्योंकि बायोप्सी माने भी होता है शरीर के टुकड़े को काटना, शरीर से बाहर ऊतक को निकालना और उसकी जांच करना, और ऑटोप्सी माने भी होता है वही, तो ये कैसे अपोजिट हो गया, 17 कैसे, 17 तो सेम है ठीक है, 18वां वो 16वां, अच्छा बायो दूसरे की द्वारा लिखी जाती, ई कहां पहुंच गई तुम तो मैडम, चरण कहां है मैडम, हम चरण ढूंढ रहे हैं आपके, पैर कहां है मैडम, मुझे छूना है, मुझे मुझे आशीर्वाद लेना है आपसे मैम, इतनी हाई थिंकिंग कैसे लाते हो आप, नहीं बिल्कुल ठीक है, वो मुर्दे को एग्जामिन करता है, वो जो बायोप्सी जो जीवित को एग्जामिन करता है, ऑटोप्सी जो है मुर्दे को एग्जामिन करता है, लेकिन एग्जामिन तो दोनों करते हैं, तो ये आपस में अपोजिट कैसे हो गए, डेड और अब आया उत्तर खुशी खुर्शीद यानी मुसर्रत बानो मैम का, ऑटोप्सी इज डन आफ्टर बट बायोप्सी इज डन लिविंग स्टेट आफ्टर, हाँ आफ्टर डेथ, बहुत बढ़िया, जिंदा लोगों के लिए, चलो ठीक है नहीं खेलते हैं आपसे, नाश्ता बनाते बनाते दिमाग से उतर गया, क्या उतर गया, हाँ बिल्कुल ये ऑटोप्सी और बायोप्सी इसीलिए अपोजिट है क्योंकि ये डेड और बिल्कुल बिल्कुल लिविंग टिश्यूज की बात करते हैं, तो मैं समझू कि सब क्लियर है और मैं आगे बढ़ता हूं, मैं परेशान नहीं करूंगा आपको, नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप समझ पाए कि नहीं, ये थोड़ा सा जानना कि आप बेसिक अंतर को उसके जानते हैं कि नहीं, जब फंसा रहा था मैं लेकिन तू फंसे नहीं, होशियार बहुत हो नालायक। संगीता बेटा, महनपाल भैया, रत्नेश, पूनम कुमारी, आमिर अंसारी बेटा, प्राची और चंद्रजीत भैया, किसी का नाम रह गया हो, डॉक्टर अरविंद यादव नाम रह जाए तो भाई सारिका सिंह माफ करना मुझे, वेटरन ओल्ड हैंड, कॉन्जिनिटल हेरिडिटरी और एक्रोनमस और एक्रोनुअस और टाइमली, क्या है ये अनाक्रोनस है, ये क्या लिखा है भाई, हाँ अनाक्रोनस, यस अनाक्रोनस है, अनाक्रोनस और टाइमली इन दोनों वर्ड्स में क्या सेम है या अपोजिट है, ये टाइम से हुआ है वो अनाक्रोनस है, और ये वेटरन है ये ओल्ड हैंड है, कॉन्जिनिटल है और वो हेरिडिटरी है, हेरिडिटरी है, हाँ माय स्टूडेंट है, बहुत अच्छे स्टूडेंट है हमारे, 19 का सेम है, 19 का क्या कर रहे हैं भैया, हाँ सेम बताया 19 का, ठीक है चलो ओल्ड हो गया ये, वेटरन हो गया ये, और ये कॉन्जिनिटल और हेरिडिटरी ये भी तो सेम हो गया, 18 भी सेम हो गया, और ये एनआर ये हो गया अपोजिट, क्योंकि कैसे हो गया ये एनआर आ गया, तो कॉर्न में एना लग गया यानी कि ये समय के पीछे की बात है या तो समय के बहुत आगे की बात है, ये टाइमली नहीं हुआ है, पंचुअली नहीं हुआ है, टाइम पर नहीं हुआ, ये बिल्कुल सही है आपका टेस्ट, बहुत बढ़िया चल रहा है, और ये बिस्वानी जी का वो बैच है जो बिस्वानी जी ने हमसे कहा है पढ़ा दीजिए,
ठीक है, तो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ LT प्लस TGT PGT कंप्लीट कॉम्बो बैच है, ये स्टार्ट है, चल रहा है, वोकैब की क्लास ये है, ये फ्री ही रहेगी। लैंग्वेज और लिटरेचर की क्लासेस शाम को 6 से 7 और 7 से 8 चलती हैं। विश्वानी क्लासेस का अब तक का सबसे बड़ा बोनांजा भी है, मुझे बताना ये है, तीनों कोर्सेज एक साथ हैं। अगर आप वास्तव में खुद को तैयार करना चाहते हैं तो हमें कम से कम 5 माह का समय दें, विश्वानी सर कहते हैं ये, और उनका नंबर है 7023030918। मिलता है आपको लाइव क्लासेस, PDF, मॉक टेस्ट, ये सब मिलता है आपको। और इससे बड़ी बात जो मिलती है, विश्वानी सर का पर्सनल केयर आपको मिलता है, पर्सनल अटेंशन आपको मिलता है। आपकी तैयारी किस दिशा में है, कैसे आप कर तैयारी कर रहे हैं, ये मैं बहुत निगाह से रखता हूँ ध्यान, और देखता हूँ आपको, आपकी एक्टिविटीज को। और अगर आप जैसा जैसा मैं बताता हूँ ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो बढ़िया है, कोई समस्या नहीं आएगी, सब अच्छा हो जाए। गुड मॉर्निंग भैया अमरनाथ, आ जाओ आप, चलो ये हो गया प्रचार, आप आ जाओ, जरा इसको खेलो, इसको खेलना बहुत ध्यान से, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है लेकिन प्लीज मैनेज करना मेरे लाल। मैं हट जाता हूँ सामने से, बिल्कुल मैं साइड में आ जाता हूँ, आपके और मैटर के बीच में मैं नहीं आऊंगा। इसको थोड़ा और कोशिश करता हूँ बड़ा करने की, देखता हूँ कितना बड़ा हो सकता है ये मैक्सिमम। प्रचार करना बहुत जरूरी है, देखो और खुद ही करना पड़ता है, जब आप लोग नहीं कुछ करोगे तो मुझे खुद ही तो करना पड़ेगा। खुद मजे से पढ़ते हैं नालायक, अपने एको मित्रों को नहीं बताते हैं कि आओ सुबह तुम भी पढ़ लिया करो। अच्छी आदतें बांटने से जो है खुशी मिलती है अंदर से, आप एक अच्छी चीज किसी से शेयर करते हैं, अगर आप उसको अच्छी चीज समझते हैं तभी तो सुबह 7 बजे आ जाते हैं नींद उनसे खुल के आंख। पहला है जे, पहला बता रहे हैं जे है फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट को हमने जे से मिला दिया, ये फर्स्ट को, ठीक है, आप देख लो, मैं कुछ नहीं, आपका आंसर मैं यहां पे लिख दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, अब फिर चल के मिला लेंगे। फर्स्ट का, हाँ बेटा ठीक है, हमने जे लगा दिया, वहां पे देख लिया आपका उत्तर, मैं देख रहा हूं ना यहां से, सबने जे दिया है। दूसरे का सी है प्राची का उत्तर, दूसरे का पैथोलॉजिकल, सेल्फ इंटरेस्टेड में सी होना चाहिए, यानी एगोमैनियाक होना चाहिए, यानी यहां दूसरे का सी है, मैंने ये लगा दिया मैम। और तीसरे का किशनवीर भैया का हमारे उत्तर आया है, और इसमें भी कोई महिला ही है इस आईडी में भी, मैं जानता हूं नाम मैं भूल गया हूं, तो ये तीसरे का एच बता रही है मैम, तो एच पर मैं तीसरा लगा देता हूं, बाकी सब यही बताएंगे, हम जानते हैं जब एक उत्तर आता है, देखो बस सब एच एच लेके आ रहे हैं, ठीक है रामलखन भैया आ गया। दूसरे का एगोमैनियाक, हाँ ठीक है हमने लगा दिया दूसरे का, तीसरा हो गया, चौथा, चौथा बेटा चौथा, फोर्थ वाला क्या लगाओगे, फोर्थ वाला क्या लगाओगे, फोर्थ का ए लगा रहे हैं किशनवीर भैया हमारे, फोर्थ का ए लगा रहे हैं, यानी ये है फोर्थ, ठीक है मैं लगा दिया। फिफ्थ का बताओ बेटा, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव जी, फर्स्ट का जे, बहुत थोड़ा सा देर में आया आपका उत्तर, यहाँ पे पहले पहुंच चुका था कई उत्तर, क्योंकि ये नेटवर्क का भी इशू होता है बेटा, हो सकता है आपके वहाँ नेटवर्क थोड़ा सा डाउन हो, कई बच्चे हमारे देहात से देखते हैं, गाँव में है, गाँव से ही हम भी पढ़ा रहे हैं। चौथे का फर्स्ट बता रहे हैं आप, तो चौथे में, चौथे में मैं फर्स्ट कैसे लगा दूं, ये तो चौथे में, हाँ तो लग गया। पांचवें का बताओ बेटा, फाफ का डी बताया, सबसे पहला उत्तर आया सोमदत्त राणा भैया हमारे, डी में फिफ्थ लगा दिया मैंने, ये लो बाबू लगा दिया, लगा दिया, अब बोलो, अब बोलो, हाँ फिफ्थ का डी लगा दिया बच्चा, लगा दिया, लगा दिया, और अभी हम मिला देते हैं तुमको। सिक्स का देखो, बी अंशु शर्मा दिया है उत्तर, अंशु शर्मा ने, लेकिन रोक दिया उसको, है ना, इतनी नालायक है ये सब। बी, बी में फिफ्थ, कलेक्ट बुक्स का टैक्सीडर्मी उत्तर की, कलेक्ट बुक्स का टैक्सीडर्मी लगाएं, फिफ्थ का बी लगाएं, सोच लो, फिफ्थ का डी बताया जा रहा है, फिफ्थ का डी हो गया। सिक्स्थ का बताओ, सिक्स्थ का बी है, माउंट्स एंड स्टफ्स एनिमल स्किन्स, अच्छा सिक्स हो गया ये, ठीक है लगा दिया मैंने। चलो बेटा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सेवंथ, सेवंथ का ई बताया है, किसने बताया सेवंथ का ई बताया है, मनु शर्मा ने, तो सेवंथ का ई हो गया, सेवंथ का ई हो गया, ठीक है, तो सेवंथ में हम ई में सेवंथ लिख दें। लिख दिया हमने, ठीक है चलो,
सेवेंथ का ई हो गया, अब एथ का बताओ बेटा, एथ 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 का आगे आगे चाहिए मुझे एथ का बेटा, एथ का बहुत प्यारा टेस्ट चल रहा है आपका एथ का, जो स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स एथ कौन है इसमें जो लिंग्विस्टिक्स का स्टूडेंट है, कौन है कौन है कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा, एट का जी बताया जा रहा है शीतल सिंह के द्वारा, एट का जी, ये लो एट दे दिया मैंने आपको। नाइन का बोलो, लो झुक गया आसमां भी, सोमदत्त भैया ने उत्तर दिया है नाइन का सी, सी का गड़बड़ा रहे हो, नाइन का जी है, जी है, जी है, नाइन का क्या बता रहे बबुआ, नाइन का उत्तर नहीं दिया कोई, टेन में पहुंच गए हैं और नाइन का ई तो बड़ा भारी आई है, क्या अंशु आई है नाइन का, हैज स्प्लिट ऑफ फ्रॉम रियलिटी साइकोटिक, हम लगा देंगे फिर नाइन का आई, चलो ठीक है लगा दिए नाइन। अब बताओ, अब तो एक ही बचा है टेन, कमिट्स एंटी सोशल एक्ट्स विदाउट गिल्ट और पैंग्स ऑफ कॉन्शियस, जरा भी उसको कॉन्शियस का गिल्ट नहीं होता है, और टेंथ का जो बचा है वही हो जाएगा एफ मेरे ख्याल से, है ना, टेन का एफ, आपने सब सही लगाए हैं कसम से आपने सब सही लगाए हैं, आप कमाल हो सच में, कमाल हो सच में, कमाल हो, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट है एकदम, सबको बधाई, सबके लिए तालियां, सब अपने लिए तालियां बजाएंगे वहां, वाह क्या बात है, क्या बात है बेटा, मैं तुरंत आगे निकल लेता हूं यहां से, ये अब मैचिंग दूसरी, मैं छोड़ने वाला नहीं आपको, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं, ये ए लिस्ट है, ये बी लिस्ट है, ये ए लिस्ट है, ये बी लिस्ट है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया नहीं बन पाई है, थोड़ा और इधर यहां तक होती तो अच्छा था, चलो बेटा इसको मैं उधर डाल देता तो यहां तक ये आ जाता, लाल आ जाओ प्लीज साइड प्लीज, इसकी अरे लो स्क्रीनशॉट, लो लल्ला अन्नपूर्णा मैम ले लिया, हाँ ठीक है मैं आ जाता हूं, मैं आ जाऊंगा तो छुप जाएगा, मैं किनारे रहता हूँ साइड में खड़ा रहता हूँ, ठीक है बेटा मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, मैं आपका उत्तर लिखने के लिए यहां पर पेन लेके खड़ा हूं, ये रहा बेटा हाथ में पेन और पेन ही दिखेगा आपको केवल, फर्स्ट का जे, अरे का बता रहे हो फर्स्ट का जी, कोई फर्स्ट का जे का कर रहे हैं, डिलीवर्स बेबीज, हाँ तो सही तो है जी, क्या प्रॉब्लम है भाई और सेकंड का जे बताया जा रहा है सेकंड, ठीक है लगा दिया मैंने, और थर्ड का उत्तर नहीं आया अभी, थर्ड का नहीं आया है, नाइन आ गया संगीता का पहला का, क्या बोल रही हो तुम, थर्ड का ई बताया जा रहा है, हम नहीं जानते हम लगा देंगे, थर्ड का ई, थर्ड है ट्रीट्स इन्फेंट्स और ई कह रहा है डर्मेटोलॉजिस्ट, हम लगा दे रहे हैं अभी लगा देंगे जान लो ई, नाइन का ए, अरे वहां पहुंच गए नाइन, दूसरे का जी अभी कुछ लिखा नहीं है, जे हो गया ठीक है, तीसरे का ए, अच्छा लो हम लिख दिए अभी चेक करेंगे, तीसरे का ए, चौथा बताओ, थर्ड का ए हाँ लिख दिया ठीक है, फोर्थ बताओ, फोर्थ का ई, हम लो यहां फोर्थ लिखे दे रहे ठीक है लो, ठीक से पढ़ के देना उत्तर, हाँ थर्ड का डी, फोर्थ हो गया, फिफ्थ आ जाओ, फिफ्थ 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 नहीं दिख रहा है अभी, फिफ्थ नहीं दिखा किसी के चंगुल से आजाद नहीं हुआ फिफ्थ, फिफ्थ का उत्तर, थर्ड का अंशु शर्मा अब उत्तर दिए हैं ए और वह छुपा के उत्तर दे रहे हैं, बहुत तो कमाल कर रही हैं, गुड मॉर्निंग सविता, पांचवें का आई उत्तर आया है, पांचवें का ये लो मैं दे रहा हूं, मैं पढ़ा भी नहीं उसको, जाओ आप देख लो जरा टीचर्स कैटल्स
अब बढ़िया वाले नालायक है हमारे बच्चे। सिक्स्थ का बी बताया जा रहा है उत्तर। सिक्स्थ का बी इज अ हर्ट स्पेशलिस्ट, बी बताया जा रहा है, ये मैं लगा देता हूं सिक्स में। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सिक्स का बी। सेवंथ, सेवंथ क्वेश्चन नंबर सेवंथ का बताइए, टीट्स मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इमोशनल एंड सर पूरा सेंटेंस बोल दिया करो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, टीट्स मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, इसका उत्तर बताइए सेवंथ का। सी बताया जा रहा है साइकियाट्रिस्ट, सेवंथ का। लो हम बोल क्या, हम पढ़ देते हैं अगला। देखो, ट्रीट्स डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स को ट्रीटमेंट देता है, ऐसे डॉक्टर को क्या कहते हैं। एट नंबर का क्या होगा, अब तो आसान हो गए। एट नंबर, एट नंबर का एच बताया किशनवीर ने, एट नंबर का एच बताया है एट नंबर। लो न्यूरोलॉजिस्ट। नाइन नंबर कहता है ट्रीट्स माइनर एलिमेंट्स ऑफ द फीट, treats minor ailments of the feet. This is, चलिए फटाफट बताइए, एट का डी, एट का डी हो तो गया, एट हो गया। चलो नाइन का, एट तो यहां एच है भाई, सब गड़बड़ा दो, एट एच है तो वहां लिखा, यहां क्या लिखवा दिया मेरे से, राम 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 राम, क्या लिख डाला मैंने। चलो नाइन, नाइन नाइन का डी, नाइन डी आ गया ये, हाँ। चलो नाइन, ये टेन, ट्रीट्स एलिमेंट्स ऑफ द गम्स, गम्स मसूड़े, मसूड़ों का डॉक्टर अलग होता है भाई, क्या। टेन नंबर का एफ बताया है दीक्षा पाठक ने, एफ तो बचा ही वही है, तो अब एफ का वहां तीर मार दी है बता के, सब सही है कसम से, सब सही है एकदम, ऑल दीज आर करेक्ट, यू हैव आंसर्ड वेरी करेक्टली, ऑल करेक्ट आंसर्स यू हैव गिवन, यू हैव गिवन ऑल करेक्ट क्वेश्चंस करेक्टली, यस। क्या बात है, ये लो बच्चा, और बहुत सवाल है भी पोटली में अब।